पिछली बार मिस्टर गुलगुलू अंकल से बचाने के बाद आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट आई कि मुझे आइसक्रीम चैप्टर 2 भी खेलना चाहिए, तो आज हम जाने वाले और देखने वाले हैं कि मिस्टर गुलगुलू और क्या कारनामे करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो यार खिड़की खोलते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है बाहर, नजारे देखते हैं। अरे यार ये क्या हो गया, ये पोपलू वाले अंकल फिर वापस आ गए। गुलगुलू अंकल फिर किसी को उठा लेके। अरे तो भिंडी मेरी सहेली है। अरे पोपलू की बहन भिंडी क्या कर रही है, तेरे को पोपलू ने बताया नहीं कि उसको किडनैप कर लिया। तो देख 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 तेरे पीछे। अरे कैसे देख रहे अंकल। अरे यार भिंडी माँ, अरे भिंडी देखो पकड़ लिया। अरे फ्रीज कर दिया भिंडी को भी। गाइस ये दोनों पोपलू और भिंडी एकदम बेवकूफ है, इनको समझ ही नहीं आता कि आजकल आइसक्रीम किडनैपर अंकल यहाँ घूम रहे हैं। अरे यार अब बचाना पड़ेगा। मम्मी का ब्लैंकेट उठाते हैं, नीचे भागते हैं। अरे यार मम्मी बहुत मारेगी, पहले उनका ब्लैंकेट कभी उनका रोप। मम्मी मेरे को छोड़ेगी नहीं गाइस, पर बचाना तो पड़ेगा भिंडी को। चलो गाइस चलते हैं जल्दी से, देखते हैं कि ये आइसक्रीम वाला गुलगुलू कहाँ जा रहा है। इसकी तो शक्ल देख के डर लगता है। अरे ये हमेशा सिर्फ चब्बी बंदों को ही क्यों ढूंढता है, चब्बी चब्बी किड्स को क्यों ढूंढता है यार ये। पता नहीं यार इसको क्या मजा आता है यार गुलगुलू बच्चों के साथ। मिस्टर गुलगुलू अंकल मुझे डर लग रहा है गाइस, चलो चलते हैं मैप उठाते हैं। पता नहीं यार क्या चाहते हैं मिस्टर गुलगुलू अंकल। लेट्स गो इनसाइड गाइस, मैप देखते हैं एंड सिनेमा चलते हैं। ये क्या हो गया, 1954 मार्च, इतनी पुरानी कोई स्टोरी बता रहे हैं। ये गोलू सा बच्चा कौन है, ये रो क्यों रहा है। कह रहा है कि मैं दूसरों से बहुत अलग हूँ, मैं तो खाता भी नहीं हूँ ज्यादा फिर भी मैं मोटा हूँ। अच्छा ये मिस्टर गुलगुलू है, ये इसकी बैक स्टोरी है। इसके पापा आइसक्रीम बनाते थे और सब बच्चे इसको स्कूल में चब्बी चब्बी कहते थे, बिकॉज उसके पापा जो आइसक्रीम बनाते थे वो खा जाता था। राम ऐसे नहीं करना चाहिए था स्कूल के बच्चों को गुलगुलू के साथ, उसको मोटा मोटा नहीं कहना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, जल्दी से ट्रंक खोलते हैं गाड़ियों के, मुझे परफ्यूम ढूंढना है। जल्दी से परफ्यूम ढूंढते हैं एंड बचाते हैं भिंडी को। भिंडी टेंशन मत ले, मिल गया परफ्यूम, मैं तेरे को बचा के रहूंगी भिंडी। जल्दी से और ट्रंक्स खोलते हैं, देखते हैं कोई और चीज मिलती है इसमें या नहीं। पर यार गुलगुलू अंकल के साथ अच्छा नहीं हुआ यार, बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। टूल बॉक्स मिल गया, इसके अंदर रेंच है, रेंच उठाते हैं, पर उससे पहले आई थिंक परफ्यूम गाड़ी में फेंकाते हैं। एंड चलो जल्दी से फेंक दिया मैंने। पता नहीं ये आइसक्रीम वाले अंकल को मुझसे क्या चाहिए यार, क्या दुश्मनी है। आ जाते हैं हमारी कॉलोनी में, पुलिस को कंप्लेंट करनी पड़ेगी गुलगुलू की। रेंच उठा लिया है। अरे अंकल आ गए, अंकल आ गए, आ गए आ गए आ गए आ गए। गंदे अंकल, माना तुम चबी थे, तुम्हें बच्चे परेशान करते थे, क्या तुम अब बच्चों को परेशान करते रहोगे जिंदगी भर। सुधर जाओ अंकल सुधर जाओ, आए भिंडी यहीं बैठी है। चलो चलते हैं अब यहाँ से, सिनेमा से चलते हैं, नेक्स्ट स्टॉप सर्कस। ओके तो फाइनली मैं सर्कस आ गई हूँ, देखते हैं अब क्या करना है यहाँ पे। चलो गाइस जल्दी से कुछ ना कुछ इकट्ठा करते हैं, बिकॉज हमें बचाना है भिंडी को। और ये आ गया अंकल, ओ गॉड इसको देखते ही डर लगता है, मैं बिलीव नहीं कर सकती एक टाइम पे चबी था। ओके डस्टबिन के अंदर ढूंढते हैं सर्कस की टिकट एंड बचाते हैं मेरी प्यारी भिंडी सहेली को। दोनों भाई बहन एकदम बेवकूफ है, एकदम बेवकूफ। मतलब सोचो सिर्फ भिंडी और पोपली थी। यार आई होप इस डस्टबिन में कुछ मिल जाए यार, मैं तो परेशान हो गई हूँ ढूंढ ढूंढ के। मिल गई सर्कस की टिकट, अंदर चलते हैं। रे पोपलू यहाँ खड़ा खड़ा गेम में खेली जा रहा है, तेरी बहन को ले गया है वो मिस्टर गुलगुलू जिसने तुझे उठाया था। माइक, हाय माइक, कैसे हो माइक। अरे ये मेरी हेल्प कर सकता है, पर ये कितना कंजूस है, इसको पहले कुछ देना पड़ेगा। चलो ठीक है माइक, कोई बात नहीं, मैं लेके आती हूँ तुम्हारे लिए परफ्यूम, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं भी तुम्हें दे दूंगी ये परफ्यूम, बहुत एक्सपेंसिव है, पेरिस से लेके आई थी मैं। चलो ठीक है फाइनली, ये क्या दिया है इसने मेरे को, हैंडल छोटा सा। चलो देखते हैं, रख देते हैं इसको वैन के अंदर, ये मेरी हेल्प करेगा बाद में। चलो बाहर चलते हैं, लेट्स गो। अब मुझे कैट फूड ढूंढना है, जल्दी से कैट फूड ढूंढते हैं। आई थिंक मुझे ये सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा, यहीं कहीं मुझे कैट फूड मिलेगा। खुल जा सिम सिम, डोर खोलते हैं ड्रॉर्स की। ओके कैट फूड मिल गया, नाइस। अरे यार
फ्रीज कर दिया मिस्टर गुलगुलू ने, इतनी गंदी हवाएं छोड़ते हैं मुंह से। चलो गाइज, इसने मुझे कैप्चर कर लिया, प्लायर्स मिल गए हैं, बट मुझे तो की चाहिए। की ढूंढते हैं यहाँ से बाहर निकलने के लिए, आई होप इस ड्रॉअर में मिल जाए। एंड ये रही की, नाइस, कर लूंगी मैं, बचा लूंगी भिंडी तेरे को, बचा लूंगी। खोलते हैं डोर, निकलते हैं यहां से बाहर। आ रही हूं मैं भिंडी, आ रही हूं। तेरा भाई तो किसी काम का नहीं है। ओ भाई, पीछे ही आ गया गुलगुलू। चलो जल्दी से प्लायर लेके चलते हैं, मेरे को ढूंढना है कैंडल जो कि गटर के अंदर होगी। ओ यार, ये हर जगह आ जाता है, ये शैतानी अंकल बहुत परेशान कर रखा है इसने मुझे यार, मेरी कॉलोनी के बच्चों को इतना तंग कर रहा है यार ये, क्या करूं मैं, क्या करूं। चलो जल्दी से खोलते हैं इस गटर को, अरे खुल जा रे। चलो यहां से मिल गई हमें कैंडल्स, लेके चलते हैं इनको, जल्दी से गाड़ी के अंदर रख देते हैं, बस वो जुल्मी अंकल ना आ जाए, इतने जुल्म करता है ना यार ये, देखो बेचारी भिंडी कैसे लेटी हुई है बेचारी। हम सर्कस, एंड मुझे पता है कैट फूड खाए हैं, तो जल्दी से कैट फूड ले लेते हैं गाइज, बचाना है भिंडी को। ओके लेट्स गो, इससे पहले कि वो शैतानी चाचा आ जाए। लेट्स गो। क्या सही है यार, आइसक्रीम अंकल ने तो पूरा बिजनेस खोल रखा है बच्चों को किडनैप करने का। ओके चलते हैं अब यहाँ से, जल्दी से ऊपर चलते हैं, डोर खोलते हैं एंड अंदर चलते हैं दरवाजे खोल खोल के। ओके हैंगर मिल गया, मुझे हैंगर से एक सीक्रेट रास्ता बना के जाना है एक डोर के अंदर और सिलेंडर निकालना है। लेट्स गो गाइस, सीढ़ियां चढ़नी है, बहुत डेयरिंग सा स्टंट करना है, भगवान मुझे बचा लेना, माता रानी प्लीज। ओके इस तार पे मेरे को हैंगर को डालना है और लटक के पहुंचना है सर्कस के अंदर। फाइनली मैं आ गई हूँ यहाँ पे, देख रहे हो पोपलू और भिंडी, तुम्हारी वजह से मुझे कैसे कैसे डेयरिंग स्टंट करने पड़ रहे हैं। चलो रास्ता खोलते हैं सीक्रेट वाला, चलते हैं गटर के अंदर से, कितना गंदा है, स्मेल आ रही है मुझे यहाँ पे। कोई बात नहीं भिंडी, मैं तुम्हें बचा के रहूंगी, गेट खोल खोल के थक गई हूं बट मैं तुम्हें बचाऊंगी। ओके फाइनली मिल गया मुझे यहाँ पे सिलेंडर, ओ यार स्क्रूज खोलने पड़ेंगे। ओके मेरे पास रेंच है, जल्दी से मैं उस गाड़ी में से रेंच लेके आती हूँ, पर मुझे डर लग रहा है कि कहीं आइसक्रीम अंकल मुझे कैप्चर ना कर ले, अगर मुझे भी दोबारा कैप्चर कर लिया तो। नहीं यार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, इस पर मैं बहुत बहुत स्मार्टली खेलने वाली हूँ। अंकल अगर तुम शेर हो तो मैं सवा शेर हूं, तुम्हें हरा के दिखाऊंगी, अपने सोसाइटी के बच्चों को बचा के रहूंगी। ओके अरे आ रही हूं मैं, आ रही हूं। भिंडी सोई रहे थोड़ी देर और, किसने कहा था आइसक्रीम खाने के लिए, आइसक्रीम खा खा के तूने परेशान कर दिया है, अंकल ने भी तेरे को पकड़ लिया यार, तेरे भाई ने तेरे को क्यों नहीं बताया, ये अंकल अच्छे नहीं है। चलो जल्दी से पहुंचते हैं अब सिलेंडर के पास, अरे यार ये अंकल मुझे लग रहा है यहीं आसपास ही हैं कहीं, स्क्रू खोलते हैं। ओके एक और खोलते हैं, और दो स्क्रूज हैं, बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे चल यार खुल जा अब, उठा लिया मैंने सिलेंडर, अरे कितना भारी सिलेंडर है यार, बच्चों से क्या क्या करा रहे हो तुम यार, भाई बहन बाहर निकलते हैं, बहुत डर लग रहा है यार सही बताऊं तो, ऐसे स्टंट करने में मुझे काफी डर लग रहा है गाइस, बट अभी इसको बचाना ही पड़ेगा, बेचारी बच्ची काफी प्यारी सी है। फेंका सिलेंडर, आई थिंक अब हम चलते स्मिथ, लेट्स गो। कैट फूड उठाते हैं, चलो कैट फूड लेके चलते हैं, यहाँ पे कैटी बैठी होगी, मिस कैटी यहाँ फूड रखते हैं, सॉरी मिस कैटी मुझे आपको लेके जाना पड़ेगा, आ जाओ जल्दी आओ, कोई नहीं मैं आपको यहाँ पे फिर से छोड़ दूंगी, अभी चलो मेरे साथ। ओ कितनी क्यूट हो आप मिस कैटी, आपकी आईज कितनी प्यारी है, अरे भिंडी तू चुप कर, चलो यहां से निकलते हैं जल्दी जाते हैं इसको सिनेमा नेक्स्ट स्टॉप। कैटी जी चलो आपकी हेल्प पड़ेगी हमें अब, कितनी प्यारी हो आप मिस कैटी, अंदर चलते हैं, ये अलार्म क्लॉक उठाते हैं, ओ तो मैंने कैटी से रिप्लेस कर दिया अलार्म क्लॉक, अब अलार्म क्लॉक हमें चाहिए होगी ना, तो चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टॉप सिमेट्री।
ओके गाइस, मैं आ गई हूँ सिमेट्री। चलो चलते हैं, आज हमें करना है बॉम्ब का सेटअप। कैसे कैसे काम करा रहे हैं ये दोनों भाई बहन मेरे से, ऊपर से ये गुलगुलू अंकल। अरे ये कैसे जा रहे हैं नीचे क्रॉल कर करके। सही है यार, सही है यार, मजे तो तुम्हारे अंकल। चलो टॉमस्टोन पे रखते हैं कैंडल्स, चलते हैं अंदर। मुझे मैचस्टिक चाहिए बेसिकली। चलो गैस सिलेंडर लेके चलते हैं जल्दी से। कमॉन कमॉन कमॉन, ज्यादा टाइम नहीं लगाना मुझे। अब मुझे बस भिंडी को बचाना है। वैसे भिंडी का असली नाम गाइस लिस है। ओके चलो यहाँ सिलेंडर रख दिया है, अब मुझे बॉम्ब का सेटअप करना है। जल्दी से अलार्म क्लॉक लेके आते हैं, टिक टिकी वाली। अरे अरे आ गया आ गया आ गया आ गया, अरे आ गया बड़े मुंह वाला इंसान दैत्य, डरावने जानवर अंकल, बच्चों को डराता रहता है। अरे फिर आ गया यार, यार इधर आओ तो आ जाता है, उधर जाओ तो आ जाता है, पता नहीं चाहिए क्या यार इसको। वापस आते हैं, जल्दी से उठाते हैं यहाँ से अलार्म क्लॉक, टिक टिकी लेके चलते हैं और सिलेंडर के ऊपर रखते हैं। गाइस मुझे जल्दी से बचाना है देश की रक्षक। ओके रख दिया मैंने टिक टिकी, चलो बाहर। अभी गुलगुलू अंकल आते ही होंगे, मैचस्टिक चाहिए मेरे को जल्दी से। चलो यार गुलगुलू अंकल करो यार अपना काम, मैं यहाँ छुपी रहती हूँ। ओके चलो मैच बॉक्स मिल गया फाइनली, लेट्स डू इट गाइस। अब मैंने यहाँ पे मैच बॉक्स भी रख दिया है। चलो 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 जल्दी बाहर चलते हैं, गुलगुलू अंकल तो नहीं आ रहे ना, बहुत डरा के रखते हैं यार। Jay, help me out of here, please. Door knob. Finally, इस knob का फायदा उठाते हैं and लेके चलते हैं। अब खोलते हैं bomb with timer. Start कर दिया मैंने bomb with timer. अरे blast हो गया finally. अंदर चलते हैं इस knob को। अरे गुलगुलू अंकल आ गए। Shit, अब तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। अरे अब तो मैं गई, पर ये हो क्या रहा है? बढ़िया गुलगुलू अंकल फंस गए हैं। अरे फंसे रहो वहीं पे, केज की मिल गई है मुझे, ड्रॉर खुल चुका है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। गुलगुलू अंकल तुम तो गए हो। चलो जल्दी से बाहर चलते हैं, ये डोर तो खुल ही नहीं रही। अरे रे 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 क्या करें यार, फंस गए यार ये गुलगुलू अंकल, यहाँ फंस गए, मैं इस कमरे के अंदर फंस गई, अब कोई डोर खुल नहीं रही। अरे खुल जा, अरे यार यहाँ से तो मैं एस्केप ही नहीं कर सकती, मैं तो फंसी बुरी फंसी। अरे यार मार ले, ले मार ले मुझे गुलगुलू अंकल, पता है मुझे। अरे यार मैं फिर फंस गई यार, मुझे यहाँ से फिर बाहर निकलना है। चलो इस डब्बे के ऊपर चढ़ के रूफ टॉप खोलते हैं। खुल जा सिम सिम, निकलते हैं यहाँ से। अब तो वैसे मुझे कुछ करना ही नहीं, सब कुछ बहुत ईजीली हो जाएगा। अरे अरे यार मैं चढ़ क्यों नहीं पा रही यार, जंप क्यों नहीं मार पा रही। चलो फिर से चलते हैं। ओके जंप मार दी मैंने, फिर आ गया यार ये, फंसा रहता वहीं पे यार, हद हो गई इसकी भी। जब देखो धर उधर इधर उधर हिलता ही डुलता रहता है गुलगुलूजा। चलो 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 अब मुझे पता है फाइनली करना क्या है, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, इसे चला जाए एक बार जल्दी से, नहीं तो फिर से कैप्चर कर लिया ना तो मेरी पूरी गेम खराब हो जाएगी। ओके अरे यार मैं अब फंस रही हूँ, मैप से चलते हैं सिमेट्री। हाँ कैप्चर करके रख लेता है यार ये बंदा। चलो 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 ओके तो फाइनली इस डोर को खोलते हैं। ये मैं दरवाजा तोड़ चुकी हूँ, केज की मेरे पास है, लेट्स गो। मैंने तुझे बचा लिया भिंडी, अब नेबरहुड जाके ही यूज हो सकती है, तो चलते हैं नेबरहुड। हाँ भिंडी हाँ आ गई हूँ मैं, बचा लिया तेरे को मैंने, तूने तो पूरा प्लानिंग कर ली थी गुलगुलू अंकल के साथ फंसने की। अरे कूद कूद यार, अरे भिंडी तू पागल हो गई है क्या? अरे यार ये क्या पगलू लड़की है यार, अरे यार ये क्या, यार सच में नहीं कूदी। माइक भिंडी को नहीं बचा पाया मैं, तू भी बचा ले यार, माइक तू बचा ले, पर तू उनको छोड़ भाग उसके पीछे। हाँ तेरी बहन है पोपलू, तेरी बहन है वो, देख। अरे देख यार पोपलू, माइक कुछ तो करो यार, लिस को उतार लो उससे। फेंक दिया यार इसने, गुस्से में
ओ, तो माइक लिस्ट से प्यार करता है, उसको प्रपोज करना चाहता था। गया परफ्यूम नाले में। हम भिंडी को नहीं बचा पाए। भिंडी तेरे से एक जंप नहीं लगी यार, ये क्या बंदी है यार तू। मेरा लेवल कंप्लीट हो गया है। तो गाइस देखा आपने, मैंने भिंडी को बचा भी लिया फिर भी नहीं बचा पाई। कितनी स्टूपिड है भिंडी। कोई बात नहीं, है तो मेरी फ्रेंड ही। अगले पार्ट में हम भिंडी को एक बार फिर बचाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।